नमस्कार उत्तराखंड, मैं छो कोनी पाठक और स्वागत छु आप सबू मेरे यूट्यूब चैनल में। मील जैसले वीडियो अपलोड करी आप सबू हमेशा उनके पसंद करा को। तो आज मील सोचो कि एक और तरीके की वीडियो की शुरुआत कर लू जो एक नाम धरनू पहाड़ी किस्से। तो यो वीडियो सीरीज लीजिए सबसे पहली किस्स मैं आज भेज रखो रवि मिश्रा जी जो कि देवाल चमोली में रूनी। तो हिटो सुनू के कुनी मिश्रा जी। याद है मुझे अभी भी जब गर्मी की शाम के समय हम अपने बचपने में व्यस्त रहते थे। टीवी यानी कि दूरदर्शन में जोरों की आवाज के गाने या कोई प्रोग्राम चल रहा होता था और हम घर के बाहर देर शाम के अंधेरे में पड़ोस के साथी बच्चों के साथ खूब खेल रहे होते थे। हालांकि मेरा ज्यादा समय अपने बड़े भाई के साथ बीतता लेकिन शाम को हम और सब हमारे घर के आंगन में खेलते। कैल गांव था हमारा, देवाल बाजार के नजदीक, कैल नदी के किनारे, मिश्रा बंधुओं का एक प्यारा सा गांव। दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर के नाम से ही इसका नाम कैल पड़ा था ऐसा सुना मैंने, हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। बचपन से ही देखा था कि यहाँ सब घर और लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख और दुख बांटना हमेशा बना रहता था। तो फिर आते हैं बचपने में। अच्छा, तो शाम को जब हम खेलने में खोए होते, इधर उधर भाग रहे होते, तो खेलते समय किसी साथ वाले की नजर दूर से आ रहे एक व्यक्ति पे पड़ती है और वो अचानक से आके बोलता है कि अरे तेरे पिताजी आ गए बाजार से। इतना सुनना होता कि अचानक से उस कोलाहल के बीच में सीधे एक अलग सी शांति आ जाती, जैसे कि कोई स्टील का बर्तन नीचे गिर गया हो और उसके बाद शांत हो गया हो। टीवी बंद हो जाती, कमरे में लाइट जो कि अभी तक किसी ने नहीं खोली होती तो खुल जाती और हम अच्छे बच्चों की तरह आगे किताब खोलकर पिताजी के आने की आहट से जोर जोर से पाठन शुरू कर देते। असल में पिताजी ने खेल कूद के लिए कभी मना नहीं किया लेकिन वो पढ़ाई के मामले में कभी लापरवाह नहीं रहे थे। 1987 में ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं लग पाए। शायद यही कारण था कि वो हमको कभी पढ़ाई से लापरवाही नहीं करने देते। पिता एक ऐसा इंसान होता है जो कि लोहार के हथौड़े की तरह है, अगर कठोर ना हो तो सही आकार नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद खेलकूद की थकान महसूस होने लगती और हम धीरे धीरे झपकी मारते। हालांकि पिताजी से पकड़े जाने का डर रहता था लेकिन बचपन और नींद का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी तो पिताजी के ऐसे रवैये से गुस्सा आता था क्योंकि साथ वालों को इतनी बंदी से नहीं रहती थी। खैर कर भी क्या सकते थे। थोड़ी देर बाद हम चुपके से ईजा के पास जो की रोटियां बना रही होती चले जाते और माँ तो माँ होती है, दिन भर हमसे ज्यादा थकान होती है लेकिन कभी उसने हमको ये पता नहीं लगने दिया। वो चुपके से हमको दो चार रोटी और सब्जी पकड़ा देती और हम जल्दी से निपटा कर सीधे जमीन में लगे एक मोटे गद्दे में बड़े होने के सपनों के साथ चले जाते। तो मैं क्या उम्मीद छू कि आप सबू के यो फर्स्ट एपिसोड पसंद आहुन। और एक चीज अगर तुम ले यस के लिखा या फिर कोई यस किस्से छू या कहानी छू जो कि तुम्हारे बचपन है भी तुम्हारी जिंदगी है भी जुड़ी हुई छू तो तुम मेरे दगड़ी शेयर कर सकता। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर छू और ईमेल आईडी छू, तुम मेल ले कर सकता या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम में तुम मेके भेज सकता। मी तुम्हों है जुड़ी यो किस्से या कहानी सबू दगड़ी शेयर करूं। तो मिलू नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लीजिए कीप मुस्कुराना।